बैक टू जीएमसी गैरेज। और आप देख सकते हैं कि हमारी जीप रैंगलर का एक्सटीरियर जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है, इसमें अभी और कोई मॉडिफिकेशन बाकी नहीं रहती। तो सबसे पहले मैं आपको इसका रिव्यू करवाऊंगा इसकी मॉडिफिकेशन के लिए, हमने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन की और क्या हमारा थीम वगैरह था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट के ऊपर। फ्रंट पे आप देख सकते हैं पहला जो इसका थीम था वो था इसको मॉन्स्टर वाली लुक देना। तो ये जो फ्रंट इसका है वो हमने कम्प्लीट एक मॉन्स्टर स्टाइल में बिल्ड किया था, तो वो भी आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल बंदा भी देख के पहचान सकता है कि ये एक ना एक सही मॉन्स्टर वाली बिल्ड है। तो इसमें जो बहुत मेन चीज़ें थी ना जो इसकी लुक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, वो इसका एक तो ये हुड स्कूप है, ये भी हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था, इसकी पिक्चर भी मैं आपको शो करवा दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी कि ये किस कॉन्सेप्ट को देख के हमने बनाया था। और इसके बोनेट में जो साइड स्कूप्स हैं, उसके अलावा जो इसका लाइटनिंग बार है वो और इसकी लाइट्स जो है ना, ये पूरा एक ना कम्प्लीट इसको मॉन्स्टर वाला लुक दे देते हैं। तो उसके बाद में आप इसका जो बिल्कुल हमारा जो लाइट्स वाला फ्रंट है ये देख सकते हैं, ये भी ऐसे लगता है जैसे किसी ना बंदे का मुंह बना होता है किसी मॉन्स्टर का ना, उस किस्म के इसके दांत बने हुए हैं, इसकी लाइट्स लगी हुई हैं। और बम्पर पर भी आप देख सकते हैं वो भी हमने कंप्लीट इसके सेम स्टाइल में ही बिल्ड किया है। तो पाकिस्तान में दूसरे लोगों ने भी रेंगलर के रेप्लिकास बिल्ड किए हैं, लेकिन हमारा मतलब सिर्फ रेप्लिका नहीं था, हमने एक उसको मॉडिफाइड फॉर्म बिल्ड की है। तो ये पहले ही है, मैंने भी पहले इस तरह की गाड़ी खुद भी नहीं देखी थी, तो इसीलिए हमने इसको बनाने का सोचा। तो उसके अलावा मैं आपको साइड से थोड़ा इसका रिव्यू करवाता हूँ। तो साइड से भी आप देख सकते हैं जैसे सीधी सीधी रेंगलर होती है वैसी ही है, थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंट था क्योंकि ये टी जे पे बेस्ड है और जो नई वाली फोर डोर होती है वो होती है वाई जेज होती हैं और जे एल्स होती हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसके अलावा भी जो बहुत हमें इसमें मज़े की चीज़ शो हो रही है वो ये वाले डट्स होंगे ना, तो ये इसको और एक नज़र ऑफ रोड और रगेड टाइप सी लुक देते हैं, ये भी हमने कॉन्सेप्ट में देखे थे तो हमने वैसे ही बना दिए। और उसके अलावा आप इसका फुटबार देख सकते हैं, ये भी एक जो थीम हमने देखा था उसके हिसाब से ही बनाया है, ये सारी ना ऑफ रोड गाड़ी के हिसाब से ही बनी हुई है। राइड हाइट भी आप देख सकते हैं, हमने एक ऑफ रोड वाली बिल्ड को फोकस किया था, लेकिन ये गाड़ी ज़्यादा ऑफ रोड है नहीं, जो ये लग्जरी फोकस बिल्ड है लेकिन इसकी लुक्स जो है वो ज़रा ऑफ रोड वाली। तो उसके अलावा जो बहुत इसमें मेन नोटिसेबल चीज़ है वो इसके व्हील्स हैं, आप देख सकते हैं कि इसके व्हील्स जो हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़ी सी गाड़ी गंदी है इसको इग्नोर कीजिएगा, तो बाद में आपको इसकी अच्छी रिव्यू वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी, ये हमारी सिर्फ बॉडी बिल्ड का जो रिव्यू है ना वो वाली वीडियो। तो साइड के बाद अब हम आ जाते हैं इसकी बैक वाली प्रोफाइल, क्योंकि ये ऑफ रोड गाड़ी है तो सबसे पहले इसके पीछे ये गोल्ड टायर लगा होना तो ज़रूरी था, वो हमने इसमें ऐसे ही लगा दिया। उसके अलावा जैसा फ्रंट बम्पर था वैसे रियर बम्पर भी हमने इसका बनाया ताकि फ्रंट और बैक इसकी प्रॉपर मैच करे। और स्पॉइलर भी हमने इसमें लगाया है क्योंकि स्पॉइलर के बगैर जो है ना मॉडिफाइड गाड़ी जो है वो लगता ही नहीं है किसी ने मॉडिफाई की। सो व्यूअर्स, अब रियर पे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका ये वाला पैनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे गैराज का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक रेप्लिका है तो इसका अपना तो कोई नाम है नहीं, तो ये जीएमसी गैराज का हमने इसका नाम दिया जीप आर, जीप रेप्लिका इसको हमने नाम दिया, और लिमिटेड एडिशन तो ये है ही सही, इसलिए हमने ये स्टिकर भी लगाया है, और ऑटोमेटिक है तो हमने इसमें ऑटोमेटिक स्टिकर भी लाजमी लगा दिया। तो उसके बाद अभी ये आपको दूसरी साइड थोड़ी रिव्यू करवा देते हैं, बड़ा ज़रूरी इसमें स्टिकर लगा हुआ है कि 4x4 है, वो जाहिर सी बात है ये भी है, तो इसमें 4x4 का स्टिकर होना भी बड़ा ज़रूरी था। तो उसके बाद अभी एक्सटीरियर को आप ऑलमोस्ट मैं आपको सारा दिखा चुका हूँ, तो एक्सटीरियर हमारे ऐसा ही था। अभी जो इंटीरियर की वीडियो है वो मैं आपको अलग से दूंगा, आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, थोड़ी सी इसमें काम होने वाला रहता है, तो इसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह इंटीरियर का भी कंप्लीट रिव्यू दूंगा जब हमारा इंटीरियर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए व्यूअर्स इतना ही था, तो होप सो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट भी करोगे, उसको लाइक करोगे, तो अल्लाह हाफिज़।